योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की मंच से तारीफ की है। दरअसल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसी मंच से अपने संबोधन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, जब कल्याण सिंह की सरकार थी तब भी राष्ट्रभक्ति राम भक्ति से समझौता नहीं किया गया, और आज जब योगी जी की सरकार है तो अब भी इससे समझौता नहीं होगा, क्योंकि योगी जी कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर हैं। राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया, और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबू जी के पद चिन्हों पर, बापू जटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबू जी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आभार करता हूं। देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हो रही है, क्या उनके उनको फलते फूले उनको बढ़ने देना चाहिए क्या? केशव मौर्य इस मंच से भी नाम न लेकर इशारों इशारों में ही सही अखिलेश यादव पर हमला करने से नहीं चूकी। इसी बहाने केशव मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक का टारगेट भी सेट कर दिया। 14 से विजय यात्रा करनी है बाबूजी के आशीर्वाद से, और 2024 तक जो विजय यात्रा हमारी पूरी हुई है उसे 2027 और 2029 में भी दोहराएंगे। और जिन लोगों ने बाबू जी के को अंतिम विदा नहीं दिया है उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विदा करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। यही निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूं विराम। दोनों हाथ ला करके जोर से बोलिएगा मेरे साथ, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में शब्दों की पकड़ की जाती है, फिर अपने तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। केशव मौर्य ने जब योगी की तुलना कल्याण सिंह से की तो सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि कल्याण सिंह का जिक्र कर केशव मौर्य ने योगी की तारीफ नहीं की बल्कि उन्हें फंसा दिया है। दरअसल कल्याण सिंह अपने वक्त के बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। दो बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी विध्वंस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 1997 में दूसरे कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री बने। ये कल्याण सिंह के सियासी करियर का एक पहलू है। इनके सियासी करियर का दूसरा पहलू ये है कि ये वही कल्याण सिंह हैं जिन्हें 1999 में बीजेपी ने पद से हटा दिया था। ये वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने तब पार्टी छोड़ दी थी। ये वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी। 2004 में बीजेपी में वापसी की थी, लेकिन दूसरी बार 2009 में बीजेपी छोड़ दी। खैर, सिक्के के दो पहलू होते हैं। केशव मौर्य क्या कहना चाहते हैं और विरोधी क्या समझना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन केशव मौर्य ने मिर्जापुर के मझवा में भी योगी आदित्यनाथ की अचानक ऐसी तारीफ कर दी थी जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम की अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए?